हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। सबसे पहले आप सभी को अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि ये आने वाला 2024 आप सभी के लिए बहुत अच्छा साबित हो। आप अपने लाइफ में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करें, सक्सेस पाएं और आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले। मैं भगवान से आप सबके लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगी। और नए साल की शुरुआत कुछ मीठे खाने से ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चलिए साथ मिलकर बनाते हैं पैनकेक्स, वो भी अपने देसी तरीके से, अंग्रेजों के तरीके से नहीं। सॉरी गाइस, आई एम जस्ट जोकिंग। तो चलिए बनाते हैं पैनकेक्स, और इसमें हम मैदे का इस्तेमाल ना करके आटे का इस्तेमाल करेंगे। आई नो कि पैनकेक्स में मैदा डालने से वो ज़्यादा टेस्टी बनता है, बट हम सबको पता है कि मैदा टेस्ट में तो अच्छा होता है बट हेल्थ में अच्छा नहीं होता। और ऊपर से पैनकेक्स बनाने में ढेर सारे शुगर का भी यूज़ होता है, और शुगर भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए हम आटे का पैनकेक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले आटा लेंगे, उसमें चीनी डालेंगे, इलायची का पाउडर डालेंगे, या फिर आप इलायची को कूट करके डाल सकते हैं, और उसके अंदर ड्राई फ्रूट डालेंगे। उसको पीसेस में कट करके आप ड्राई फ्रूट डालिएगा, नहीं तो बड़े बड़े रहेंगे, फिर वो अच्छे से बनेंगे नहीं। छोटे छोटे ड्राई फ्रूट डालकर उसे थोड़ी देर के लिए अच्छे से मिक्स कर साइड में रख दीजिएगा। एटलीस्ट 30 मिनट के बाद आप उसे लीजिएगा। पैन में थोड़ा सा घी लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद उसमें अपना पैनकेक वाला बैटर डालिएगा, और डालकर उसे ढक कर अच्छी तरीके से पकने दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि दोनों साइड से कम आंच पर अच्छी तरीके से पैनकेक पक जाए, क्योंकि वो थोड़ा मोटा होता है। जब पक जाए उसके बाद उस पर हनी डालिएगा, ताकि टेस्ट है जो और बढ़ जाए, इन्हेंस हो जाए उसका टेस्ट। और उसमें ग्रेटेड ड्राई फ्रूट डालिएगा, और खाकर ज़रूर टेस्ट करिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं इस पे बैट लगा सकती हूँ आपके साथ कि बहुत टेस्टी लगेगा और ज़्यादा शुगर भी नहीं होता है, तो आपके हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह नहीं है। और शुगर एक दिन तो खा ही सकते हैं, और वो भी इतना अच्छा दिन नए साल की शुरुआत पे। एंड मैं होप एंड विश करती हूँ कि नया साल का पहला दिन आपका भी अच्छी तरीके से बीते। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।